हेलो फ्रेंड्स, स्वाद की धूम विद प्रज्ञा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही अलग तरह से बनने वाले समोसे की रेसिपी लेके आई हूँ। इंग्रेडिएंट सेम है पर झंझट कम है। अगर आपको समोसे के शेप बनाने में परेशानी होती है तब भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसे पोटैटो रोल समोसा या सिगार समोसा कह सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक सिंपल सा क्लिक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। समोसा बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 कप मैदा लेंगे। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी ये समोसा रेडी कर सकते हैं। अब मोयन के लिए इसमें हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। थोड़ी सी अजवाइन लेंगे, इसे क्रश करके डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। इस तरह का लड्डू जैसा बनना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक मुलायम सा आटा हम रेडी कर लेंगे, जैसे हम पूरी के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसा। तो ये देखिए आटा रेडी हो गया है। अच्छे से मसल लेंगे और फिर हम इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब स्टफिंग रेडी करते हैं। तो यहाँ पर 3 आलू लिया जिसे इस तरह पीसेस में कट कर लिया और अब इसे अच्छे से हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं पर यहाँ पर मैं ग्रेटर यूज़ कर रही हूँ। सारे आलू अच्छे से ग्रेट हो गए, इन्हें एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे और अब सारे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल रहे हैं और 1 चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं, 4 से 5 हरी मिर्च जिसे बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, 2 चम्मच हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का आटा डाल देंगे जिससे बाइंड करने में इजी होगा और सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो जिस तरह से हम आटा बाइंड करते हैं बिल्कुल उस तरह से हमें इसे बाइंड करके रेडी करना है। आलू काफ़ी स्टिकी होता है, इसके लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल ले रही हूँ जिसे हम आलू में डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब, और थोड़ा सा तेल हम अपने हाथों पे इस तरह से ग्रीस करने के लिए रख लेंगे। अब अच्छे से आलू को एक बार मसल लेंगे और इनकी छोटे छोटे हमें कटलेट्स रेडी करना है, जिस तरह से हम कटलेट के लिए बिल्कुल आलू रेडी करते हैं ना वैसे। तो ये देखिए इस शेप में हमने रेडी कर लिया। इसी तरह से सारे कटलेट हम रेडी कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो बीच में आप हाथ को फिर से ग्रीस कर सकते हैं। सारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। अब हमें समोसे के लिए एक बैटर रेडी करना है जिसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का आटा लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसका इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। मैं बताती हूँ कि उसका हमें क्या करना है। अब यहाँ पर आटा को हम वापस से मुलायम कर लेंगे और इसमें से जितनी बड़ी आपको लोई चाहिए उतना बड़ा ले लीजिए और फिर इसे अच्छे से रोल कर लीजिए। तो हमें बेसिकली एक बड़ी सी रोटी रेडी करनी है। जितनी बड़ी रोटी आप रोलर बोर्ड पे रेडी कर सकते हैं उतनी बड़ी रोटी आप बना लीजिए। बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जिस तरह समोसे के लिए हम रोटी बेलते हैं ना वैसी होनी चाहिए। अब इन्हें हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 1 कट लगाया मैंने, सेंटर से आप कट लगाइए, फिर ये 2 कट लगाया, फिर इसके बीच में से ये 3 कट और ये 4 कट। तो बिल्कुल पिज्जा जैसे कट करते हैं ना वैसे ही हमें कट करना है। अब हमने जो कटलेट्स रेडी करके रखे थे वो रख देंगे इस पे और इसे इस तरह से हमें रोल करना है। कॉर्नर से उठाइए और इस तरह से रोल कर दीजिए। एजेस को हमें अभी नहीं रोल करना है, इसके लिए हमने जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर रेडी किया था ना वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हम कॉर्नफ्लोर का जो हमने बैटर रेडी किया था उसमें से थोड़ा सा लगा देंगे ताकि समोसे डीप फ्राई करते समय तेल में खुले ना, और अच्छे से इसे स्टिक कर देंगे।
इस तरह से सारे समोसे हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पर ये हम दूसरे शेप में भी समोसा बना रहे हैं। देखिए, इस तरह से रोटी हमने बेल ली और इसके किनारों को हम कट कर लेंगे। हमें इसकी स्ट्रिप जैसे रेडी करनी है, तो इसे बीचों बीच आप कट कर लीजिए। तो ये देखिए, ये स्ट्रिप जैसी रेडी हो गई। आलू की जो स्टफिंग हमने रेडी करके रखा था वो रख देंगे, और इसके एजेस पे हमने जो कॉर्नफ्लोर का बैटर रेडी किया था वो लगा देंगे ताकि अच्छे से स्टिक हो सके। और अब इसे हम रोल कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा वेज रोल समोसा बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हमें डीप फ्राई करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने दो पैटर्न में ये वेज रोल समोसा को रेडी किया है। मीडियम फ्लेम पर हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब हम इसमें समोसे को फ्राई कर लेंगे। गैस की आंच हमेशा मीडियम ही रखिए, तभी ये अच्छे से भी अंदर से कुक होगा। अब अलट पलट कर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें डीप फ्राई करना है, जैसे हम समोसों को करते हैं। खाने में ये वेज रोल समोसे बहुत ही यमी लगते हैं। अगर आप जल्दी में हैं, घर में मेहमान आने वाले हैं, तब भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, फटाफट से ये तल भी गए। अब अच्छे से इन्हें हम एक्स्ट्रा तेल निकाल कर टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं और ये हमारे वेज रोल समोसे रेडी हो गए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।